हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं की इश्यूज इन प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का फर्स्ट चैप्टर है। इससे आगे वाले जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले उन चीज़ों को एनालाइज करोगे कि हम जो है वहाँ पे तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है। उससे तुम्हें लॉस होंगे, प्रॉफिट होंगे, कितनी अर्निंग्स होगी, क्या क्या चीज़ें आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। तो पहले आप सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे। सेम हम यहीं पे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से इशू है जो कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करने से पहले जो है स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा इसके अंदर मार्केट एनालिसिस, कि हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट में कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है, कि आपके कंपटीटर कितने हैं मार्केट में, या आपकी ही मोनोपोली होगी, आपकी जो है जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी मार्केट के कंपोजिशन होंगे उनको स्टडी करोगे। अब मार्केट में कौन कौन से आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उनकी स्टडी करोगे, उनके क्या प्राइस है, वो किस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जो है बाकी जो आपके कंपटीटर उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा, कि वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, राइट। और जो है लीगल और टेक्निकल जो आस्पेक्ट है वो आपके प्रोडक्ट को किस तरह से जो है इफ़ेक्ट करेंगे, वो सब आप इसके अंदर स्टडी करोगे, राइट। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर जो था वो क्या था, मार्केट एनालिसिस। सेकंड पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है हमें किस तरीके से काम करना है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी, जो भी हमें प्रोडक्ट चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल चाहिएगा, इनपुट चाहिएगी, राइट, तो उसके लिए हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उस प्रोडक्ट के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है कि नहीं है, उसको जो है आप जो है एनालाइज करोगे। क्योंकि आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कि आपको जो है टेक्नोलॉजी को देखोगे कि जिस प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट में जो चीज़ें चाहिएगी, जो इनपुट्स रिक्वायरमेंट है वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। आपका जो है बिजनेस का साइज़ कैसा है, लोकेशन कहाँ पे होगी, टेक्नोलॉजी, आप जो है यहाँ पे सारी जो है टर्म्स जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो सब जो है डिटेल में स्टडी करोगे और उसके बेस पे आप डिसीजन लोगे। अब आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हो जिसकी मशीन जो है उसको काम करने के लिए आपको कोई मशीन चाहिए और वो मशीन आती है करोड़ों की, आपके पास वो पैसा नहीं है, तो मतलब वो चीज़ आपके लिए फिजेबल नहीं होगी। फिजेबल मतलब जो चीज़ पॉसिबल हो, तो वहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे क्योंकि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पहले देखोगे कि आपका जो है जिस प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, तो उसकी के लिए जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इनपुट्स, जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, आप अरेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसा ही जो है आग बंद कर अपना कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। देन हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम देखेंगे कि हमारे पास पैसा कितना है, जितना भी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगना है, क्या आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से आप फाइनेंस अरेंज कर सकते हो, लाइक आप लोन ले सकते हो, ठीक है, शेयर्स के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे होते हैं तो वहाँ से आप बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, और आपकी जो है इन्वेस्टमेंट करने में कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट आएगी, राइट, और वो जितना भी बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा क्या तुम उन सारी चीज़ों को मीटअप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि उस प्रोजेक्ट में जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अवेलेबल है। मार्केट को आपने स्टडी करा तो देखा उस प्रोडक्ट की कितनी पहुँच है, कितना उस प्रोडक्ट की डिमांड है, कितना उसमें जो है आपके पास फ्यूचर में है कि अपॉर्चुनिटी कि आप उससे अच्छा खासा कमा सकते हो। बाकी चीज़ों से कंपेयर करके देखोगे, उसकी कॉस्ट को इवेल्युएट करोगे, आपके पास रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से आपने एलोकेट करना है, उस चीज़ का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोशल कॉस्ट बेनिफिट क्या हो सकते हैं, तो हर चीज़ आप इकोनॉमिक एनालिसिस में जो है वो स्टडी करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है इकोलॉजिकल एनालिसिस। इसमें आप क्या देखोगे कि इन फ्यूचर जो है आपको उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने हैं, राइट,
रिसेंट ईयर में उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो भी आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, लार्ज स्केल में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम लंबे टाइम तक इसी काम इसी प्रोडक्ट में बिजनेस करते रहे, इसी प्रोडक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते रहे तो क्या आउटकम निकल के आएगी, इसके अंदर कितना रिस्क है, तो वो चीज़ें आप स्टडी करोगे यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या क्या जो है चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि वो चीज़ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसको नहीं करोगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल एक लिमिट तक है कि मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और लार्ज स्केल पे भी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, इससे आउटकम अच्छी निकल के आएगी, अच्छा एक्सपोजर हमें मिलेगा और रिस्क वगैरह सारी चीज़ें स्टडी करके यहाँ पे आप जो है वो इन पांचों पॉइंट की स्टडी करके उसके बाद आप बेस्ट डिसीजन लोगे जो भी आपके आउटकम निकल के आएगी उसके बेस पे सारी चीज़ों को एनालाइज करके, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी क्या अगर आप ये सब चीज़ों को एनालाइज कर लेते हो, प्रोजेक्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। सो सबसे पहले तो आपको एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी हमारी कंट्री की, राइट। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनकम जनरेट होगी, लॉन्ग टर्म में भी देखें तो हमारी कंट्री का भी बेनिफिट है, जहाँ पे जो है ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री की तो इससे हमारी कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, राइट। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट आएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, और हम अगर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, हमें पता होगा कि हमने क्या डिसीजन लेना, क्या एक्शन लेना है, फ्यूचर पैटर्न क्या होगा हमारी एक्टिविटीज़ का, उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे, उस हिसाब से हम अपने जो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देखेंगे कि कहाँ से हम फाइनेंस अरेंज करें जिससे जो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, बेस्ट आउटकम मिलेगी, राइट। एक तरीके से सोसाइटी के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, आप जो है अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो तो जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन फ्यूचर हो सकते हैं आप उनको रिस्पॉन्स कर पाओगे, आपको पता है कि इन फ्यूचर ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी आप स्टडी नहीं कर रहे, ऐसे ही जो है आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको कुछ पता ही नहीं है, बट अगर आपने प्रॉपर स्टडी के साथ करा तो आपको हो पता होगा कि हाँ ये चीज़ें जो है हो सकती है मार्केट में। तो आप पहले आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे, उसके हिसाब से आप जो है आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट थे आप उस हिसाब से प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दोगे कि बेस्ट प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट कर पाओगे जिसकी जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे, मार्केट की क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इन चीज़ों को आप रिकग्नाइज कर पाओगे, राइट। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो है उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, ऐसे ही नहीं जाओगे ना, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पहले आप उसके बारे में जो है स्टडी तो करते हो कि इसके अंदर है क्या। सेम अगर आप कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो पहले आप उसके बारे में प्रॉपर जानोगे और उसको आपको उससे जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि हमने अभी स्टडी करी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जिससे आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे और इससे जो है आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो और जो है अपने कंपटीटर को जो है एक तरीके से कम्पीट भी कर सकते हो, मार्केट में अच्छा स्टैंड कर सकते हो। अगर आप जो है अपनी कस्टमर्स की नीड को रिकग्नाइज़ कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ कर रहे हो तो उस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हो और अपने जो है कस्टमर्स को जो है उनकी जो भी नीड्स है उसको टाइमली फुलफ़िल कर सकते हो और अपनी मार्केट में अच्छी खासी गुडविल बना सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करवा के सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे हो, एक तरीके से सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, तो ओवरऑल हमारी नेशनल इनकम का भी में भी जो है कुछ ना कुछ ऐड होगा तो हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होगी। तो ये सारा हम इसके अंदर लिख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।